कि कोई माई का लाल, ये तो एक पार्लिमान है, एक सेनेट है, एक कहता हूँ 10 पार्लिमान 10 सेनेट है, कोई माई का लाल ये अमेंडमेंट नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। ये पार्लियामान के मेंबर हैं, ये पार्लियामान के मेंबर हैं, ये पार्लियामान के मेंबर हैं कि जिन्होंने मसवदा तो देखा ही नहीं, जिन्होंने मसवदा तो देखा नहीं और हाथ पहले से खड़े करके खड़े हैं कि हम यस मैन। सारी पाकिस्तान के वकला उस तहरीक के दिलो जान थे और वो तहरीक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में एक सुनहरा बाब है। हर वकील ने, आप में से हर वकील एक जोश एक जज्बे के साथ उस तहरीक का हिस्सा था। सब वकीलों के साथ साथ मेरा भी उस वकला तहरीक में एक छोटा सा रोल था। और ये वो तहरीक थी, जिसमें नारे लगाने वाला और वकीलों के नुमाइंदे की हैसियत से तकरीर करने वाला, उसकी आंखों में एक चमक और आवाज में एक जज्बा और एक ललकार हुआ करता था। हम वही वकील हैं, वही वकील है उसी तहरीक में। हमने कहा था वकीलों में, हमने कहा था कि हमारा हाथ होगा और तुम्हारी गर्दन होगी। यही वकील थे हम। एक जोश, एक जज्बा था, एक मकसद था जो उस वक्त के डिक्टेटर को कहा था कि अपनी गर्दन को हमारे हाथ से दूर रखना वरना हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गर्दन होगा। और यही हम वकील थे, और हमने कहा था और बड़े तमतराक के साथ था, बड़े गरजदार आवाज में कहा था, अगर वर्दी तुमने पहनी है तो वर्दी हमारी भी है। और यही गंगरज थी, यही जज्बा था। दुनिया ने देखा एक पाकिस्तान में एक वकील को पाकिस्तान के हाकमों डिक्टेटर के तमाम खजानों की चाबी उसके पास होने के बावजूद एक वकील को उस तहरीक से वो तोड़ नहीं सके, एक वकील को तोड़ नहीं सके। आज फिर एक वक्त आया, और हमने कहा, सामने जनरल नजर आता था, सामने था, तो हमने कहा था एक जनरल सामने था, जनरल उसकी आंखों में आंखें डाल के हमने कहा था एक जनरल। मगर अब
आज अब आज सारा मामला जान से हो रहा है, मगर जर्नैल छुप के वार कर रहा है। हम सामने हैं, हम सामने हैं। जिंदगी में हमने छुप कर लड़ना और वार करना नहीं सीखा। आज जो भी लूली लंगड़ी एक जिसको हम आइन कहते हैं, अब मेरे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर बोल कर गए, उसी लूली लंगड़ी आइन बलूचिस्तान में हजारों 8, 10, 50, 100, 500, 200 की मैं बात नहीं करता हूं, हजारों मिसिंग पर्संस के बारे में एक आदमी को बाजियाब नहीं करा सके। ये हमारा दिल गुर्दा है कि उस आइन को इसके बावजूद भी हम कहते हैं इसके ऊपर दबे मत लगने दो। इसके ऊपर ये जो 50 से ज्यादा तरामीम की सूरत में जो तरामीम लाई जाएंगी वो उस आइन के चेहरे के ऊपर काले धब्बों की तरह वो दूर 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 से नजर आएगा। जब आइन के धब्बे होंगे, जब आइन पे धब्बे लग गए तो उसमें जो मौजूद बुनियादी हकूक है, ये बंदर रोड आपके सामने है, ये बंदर रोड आपके सामने है, इस कोने से लेके उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक। इस वक्त भी कई लाख लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक आदमी को ये आइन लूली लंगड़ी आइन हकूक नहीं दे सकी। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, अदालतों में जो बैठे हैं, वो काजी फैजी सा, वो काजी फैजी सा, ये वही पिंडाल है, वही पिंडाल है, जगह भी वही है। कराची बार के एनुअल डिनर में काजी फैजी साहब भी मधु थे और मैं भी मधु थे, उसके एहतराम में, उसकी रिस्पेक्ट में सारी बार ने कहा, काजी फैजी साहब ने खुद कहा कि तुम तकरीर करो, मैंने कहा नहीं, उसके एहतराम में। आज मैं कहता हूं कि नहीं, हमसे गलत हुआ, हमसे गलती हुई। वो काजी फैजी सा हमसे इसलिए गलती हुई कि बलूचिस्तान से जो आदमी जो भी जज गया, क्या फैजी सा, क्या चौधरी इफ्तिखार, क्या जमाल खान, क्या नईम अख्तर, वो जज कहलाने के हकदार नहीं है, जज कहलाने के हकदार नहीं। इसलिए आज वक्त मिला है, आज हमको मौका मिला है, हमको मौका मिला है अपनी आवाज को एक मुत्तहिद सूरत में, एक ताकत की सूरत में उन लोगों के सामने कहें कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और यकीनन मैं यकीन से ये कहता हूं, 2007 की बात है, 2007 की बात है कि हम मीरपुर खास गए, इसी कराची से निकल के, दोस्तों की मेहरबानी थी, वहां में ये अजरक जो सिंध की एक पहचान है, हमें ये अजरक पहनाए गए। वहां पे मैंने कहा था कि ये अजरक जो आपने मेरे कंधों पे पहनाया है, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है
इस इज्जत की हुर्मत और इज्जत के लिए, इस इज्जत की इज्जत और हुर्मत के लिए बैसियते वकील के, बैसियते पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, बैसियते एक इंसान के, मैं कसम खाता हूं वकीलों के सामने, कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे इस अजरक की इज्जत और एहतराम पे फर्क आ। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपने आपके सामने खड़ा हूं। इस बात को 14-15 साल हो गए हैं, 14-15 साल हो गए हैं। इस बात को 14-15 साल हो गए हैं। वो मीरपुर खास, ये कराची। वकील छोटी मोटी चीजें बहुत करता है, वो छोटी मोटी चीजों के अलावा मैं कसम खा के कहता हूं कोई काम मैंने ऐसा नहीं किया जिससे इसके हुर्मत पे कोई फर्क आया। सबसे बड़ा काम जो आज भी 14-15 साल के बाद मुझे करना चाहिए, क्या आंखों में आंखें डाल कर बात करूं, वो मैं कर रहा हूं इस हुर्मत के लिए। नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सिंध का बाशिंदा नहीं हूं, मगर उसकी तारीख का मैं दिलदादा हूं, उसकी सूफिया कराम की तारीख है, उसकी तारीख के एक एक सूफिया कराम और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अजीम शान शख्सियात का मैं मदा हूं। मैं तो बैर का आदा हूं। आप में से तो हर आदमी ने अगर कंधे में अजरक नहीं डाला है, उसके दिल में तो अजरक है। मत छोड़ो, अगर ये अजरक तुम्हारे सीने में मौजूद है, मत छोड़ो, दावे से छोड़ो, ऐलान करके छोड़ बोलो कि कोई माई का लाल, ये तो एक पार्लियामेंट है, एक सेनेट है, एक कहता हूं 10 पार्लियामेंट 10 सेनेट है, कोई माई का लाल ये अमेंडमेंट नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता।